अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे इस एक्टिविटी में कहाँ गए, ये तो फॉर है, ये हमारी एक्टिविटी में एक बटन है। अब मुझे क्या करना है कि बटन पे क्लिक करेंगे ना तो अपने को मैसेज डिस्प्ले करना है, गुड मॉर्निंग वाला, टोस्ट वाला। तो जो टोस्ट वाला मैसेज है ना यहाँ पे, कहाँ गया अपनी मेन एक्टिविटी में, उसको मैं कमेंट दे देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या करना है, इवेंट हैंडलिंग करना है, जो हम करना चाहेंगे अपनी एप्लीकेशन में, कि क्लाइंट की कुछ एक्शन पे उसको हम रिस्पॉन्स दें। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में, जिस इवेंट को हम हैंडल करना चाहते हैं वो इवेंट एक्चुअली है बटन की, है ना। इवेंट्स तो बहुत सारे अलग अलग व्यूज में अवेलेबल है, अलग अलग प्रकार की। बटन को क्लिक कर सकते हैं, चेकबॉक्स को चेक अनचेक कर सकते हैं, रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट में आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, स्पिनर होता है उसमें आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी घटनाएं जो मैंने प्रवृत्ति बताई आपको, ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, वो सब कुछ क्या है, इवेंट्स को जनरेट करती है। बटन पे क्लिक करना इवेंट है, लिस्ट में आइटम सिलेक्ट करना इवेंट है, रेडियो बटन को सिलेक्ट करना इवेंट है। इन सभी इवेंट्स के बीच में जो सबसे कॉमन इवेंट है और कॉमन व्यू है, कि जो हम ज्यादातर केस में यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, वो है बटन। ज्यादातर केस में बटन इज वेरी कॉमन, मतलब कि बहुत सारी जगहों पे बटन हो सकता है, और उस पे बटन पे कौन सी इवेंट, क्लिक। हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि बटन पे माउस को मूव करे क्लाइंट तब कुछ हो। वी विल मोस्टली थिंक और हैंडल क्लिक इवेंट ऑन बटन। तो फ्रेंड्स, बटन पे क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो विकल्प है। क्यों दो विकल्प, इसलिए है कि ये एक कॉमन व्यू है। बाकी सब के लिए तो सेकंड मैकेनिज्म, बाकी जितनी भी इवेंट्स है, जितने भी व्यूस है, उन सब के लिए सेम थिंग, कॉमन मैकेनिज्म, लिसनर। लेकिन बटन में हमें एक एडिशनल मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो बटन पे अगर हम इवेंट को हैंडल करना चाहे, देखो किसी भी व्यू पे इवेंट हैंडल करनी है तो हमें क्या करना होगा, टू इंप्लीमेंट लिसनर एंड ओवरराइड द इवेंट हैंडलर। ये दो लाइंस, मतलब दो टास्क, दो मैकेनिज्म हमें इंप्लीमेंट करने होंगे। लिसनर मतलब वो एक ऐसा क्लास डिफाइन हुआ है अपने एसडीके में, कि जो पर्टिकुलर इवेंट को लिसन करता है। हर हर प्रकार की इवेंट के लिए यहाँ पे लिसनर है, बराबर। लिसनर मतलब एक इंटरफेस, कि जो पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया गया है। और हमें पता है कि इंटरफेस के अंदर क्या होता है, मेथड होती है। तो यहाँ पे ये जो लिसनर्स बनाए हैं उसमें मेथड्स कैसी है इवेंट्स को हैंडल करने की। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, मैं आपको कोर जावा का, क्योंकि ये जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना इवेंट को हैंडल करने का, वो जावा का कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट इवेंट को हैंडल करने का जो है वही आपको बताता हूँ। सपोज मान लो कि कोर जावा में आपके पास एक बटन है, तो जब क्लाइंट उस पर क्लिक करता है तो एक इवेंट जनरेट होती है, एक्शन इवेंट। अब सपोज आप क्लाइंट जब क्लिक करता है तो उसको कुछ रिस्पॉन्स देना चाहते हो, तो इस बटन पे क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक लिसनर बनाया गया है। कौन सा लिसनर, एक्शन लिसनर। देखो नाम भी कितने उनके मिलते जुलते, एक्शन इवेंट, तो एक्शन इवेंट के लिए जो लिसनर बनाया गया है वो क्या है, एक्शन लिसनर। और एक्शन लिसनर खुद क्या है, इंटरफेस है। और ये एक्शन इवेंट क्या है, इनबिल्ट क्लास है। देखो ये पूरा इवेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ना माड़खा गुजराती में, ऐसा बना के रखा गया है। हर प्रकार की इवेंट के लिए ऐसा है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं क्लिक करने के लिए, मतलब एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट के लिए अपने पास एक्शन लिसनर है, वो खुद क्या है, इंटरफेस है, और उसके अंदर मेथड है। अब देखो हमें तो पता है कि जब हम किसी लिसनर को यूज करना चाहे तो हमें
लिसनर को किसी इंटरफेस को यूज करना चाहे तो इंटरफेस को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और जब भी किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी मेथड ओवरराइड करनी पड़ती है। तो इस इंटरफेस के अंदर, एक्शन लिसनर के अंदर एक मेथड आई हुई है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। देखो नाम भी, उसका नाम भी देखो, एक्शन परफॉर्म्ड, मतलब क्लिक हुआ। देखो अब आपके दिमाग में ये पूरा मैकेनिज्म एक साथ आना हुआ चाहिए। अब ये जो एक्शन परफॉर्म्ड है ना, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होगी ना, वो क्या होगी पता है? एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि जब क्लाइंट किसी बटन पे क्लिक करेगा, तो अगर आपने लिसनर इंप्लीमेंट किया है, कौन सा लिसनर? एक्शन लिसनर, तो उसकी एक्शन परफॉर्म मेथड कॉल होगी। तो ऐसे डेवलपर हमें क्या करना है, हम अगर बटन की क्लिक इवेंट को हैंडल करना चाहते हैं तो हमें एक क्लास बना के रखना है जो एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करे, और उसके अंदर एक मेथड होनी चाहिए एक्शन परफॉर्म्ड। फिर जैसे ही बटन क्लिक होगा तो ये एक्शन परफॉर्म मेथड कॉल होगी, और उसके अंदर जो कोड लिखा है हमने वो रन होगा। ये मैंने आपको जस्ट मैकेनिज्म बताया कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको नोट डाउन करनी है कि अगर आप बटन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो अगर आप पर्टिकुलर किसी भी बटन पे क्लिक इवेंट या किसी भी कंपोनेंट पे कोई भी इवेंट को हैंडल करना चाहते हो, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रजिस्टर करना। आपको जावा को बताना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक इवेंट को हैंडल करना चाहता हूं। तो ये रजिस्टर करने के लिए क्या है? और कुछ नहीं, सपोज कि आपका जो बटन है, सपोज आपने नाम दिया है बटन, ठीक है, और इस बटन पे अगर आप क्लिक इवेंट हैंडल करना चाहते हो, तो आपको एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है कि इस बटन पे मैं एक्शन इवेंट को हैंडल करना चाहता हूं। इसके लिए बटन डॉट एड एक्शन लिसनर, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जावा को बताया कि मैं इस बटन पे एक्शन लिसनर को ऐड कर रहा हूं, जिससे जावा को पता चले कि इस बटन पे अगर क्लिक होता है तो डेवलपर के कोड को, डेवलपर के प्रोग्राम को नोटिफिकेशन देना, इन्फॉर्म करना है। क्योंकि देखो जब बटन पे क्लिक होता है तो हम तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, हमने तो कोड लिख के रख दिया पहले से, तो हमारे कोड को कॉल किया जाए, एक्शन परफॉर्म को कॉल किया जाए, उसके लिए हमें ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, लिसनर इंप्लीमेंट करना, लिसनर की मेथड को ओवरराइड करना, और रजिस्ट्रेशन करवाना लिसन करने के लिए। ये जावा का इवेंट हैंडलिंग का मैकेनिज्म है, और जैसे कि हम यहाँ प्रोग्रामिंग में जावा लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो हमने ये सिंपल सा, मैंने आपको इसलिए बताया, शायद आप लोगों ने ये BCM में पढ़ा होगा, बट जब हमने जावा यहाँ पे फर्स्ट सेम में पढ़ा तो हमारे सिलेबस में ये चीज नहीं थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये जस्ट रिवाइज करवाया, ठीक है। तो ये होता है, तो हमें यहाँ पे यही चीज करनी है। देखो अपना जो बटन है, ठीक है, हाँ मैं ये बता रहा था कि बटन इतना कॉमन है कि अपने पास ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया वो कॉमन मैकेनिज्म है। बटन हो, रेडियो बटन हो, चेकबॉक्स हो, लिस्ट हो, इमेज हो, सब पे ये अप्लाई होता है। किसी भी व्यू पे पर्टिकुलर इवेंट को हैंडल करना चाहते हो तो हम इस तरह से जावा में या एंड्रॉइड में कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड में बटन इतना एक कॉमन मैकेनिज्म है कि उस पे इवेंट को हैंडल करने के लिए हमें यह मैकेनिज्म तो दिया गया है, एडिशनली फॉर बटन्स ओनली हमारे पास दूसरा एक मैकेनिज्म भी है, और वो क्या है? ऑन क्लिक हैंडलर। क्योंकि बटन इतना कॉमन है कि ज्यादातर डेवलपर्स को उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो हमें ये एक ऑन क्लिक करके एट्रीब्यूट या हैंडलर दिया गया है, कि जो हम डायरेक्टली XML में डिफाइन कर सकते हैं, और हमारा टास्क काफी इजी हो जाता है। देखो मैं इसका एक एग्जांपल आपको अब करवाऊंगा। देखो ये हमारा बटन है, बटन जिसका ID हमने यहाँ पे दिया है बटन। अब मुझे सपोज कि इस बटन पे क्लिक हो तो कोई मेथड या कॉल करवानी है। अभी हम वो जावा का मैकेनिज्म जो अभी हमने लिसनर वाला देखा ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे,
डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक हैंडलर का यूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो ऑन क्रिएट जैसे एक मेथड है उसी तरह से मुझे एक मेथड यहां पे बनानी है, पब्लिक वॉइड शो। देखो मैं शो नाम की मेथड बना के रखता हूं। ये याद रखना है कि उसके अंदर आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए व्यू टाइप की, व्यू जो सभी व्यूज का पैरेंट है यहाँ पे एंड्रॉइड एसडीके में। नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने वी रखा है, ठीक है। अब देखो पहली बार इस फाइल में पहली बार हम व्यू का यूज कर रहे तो ये इस तरह से एरर आएगी, क्योंकि व्यू एक क्लास है जिसको आप यूज कर रहे हो तो आपको उसे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने के लिए केवल अल्टर एंटर करना है, अल्टर एंटर। देखो ये ऑप्शन आपके सामने आ गया, इंपोर्ट क्लास, क्लिक करो अपने आप वो इंपोर्ट हो जाएगा। देखो हो गया। अब मुझे एक टोस्ट शो करना है ना, तो ये जो टोस्ट वाला कोडिंग है ना वही यहां से कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट करता हूं, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा टेक्स्ट में, बटन क्लिक्ड, ठीक है, बटन क्लिक्ड, बाकी का सब एज इट इज। तो टोस्ट मैसेज हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज दी मैसेज एंड द थर्ड आर्ग्यूमेंट इज दी बटन डॉट ड्यूरेशन डॉट शो। अब इस मेथड को मुझे रन करवाना है कब, जब बटन पे क्लिक हो तब। तो मैं लेआउट में जाऊंगा, लेआउट में जहां पे मेरा बटन नोड है ना वहां पे जाके लास्ट में मैं एक एट्रीब्यूट लिखूंगा, देखो ऑन क्लिक। जैसे ही आपने ऑन क्लिक लिखा तो देखो वहां पे ऑप्शन आपके सामने आ गया, जितनी भी मेथड यहाँ पे हमने व्यू वाली डिफाइन करके रखी है ना वो वहां पे लिस्ट में आ जाएगा। अभी एक ही मेथड है तो देखो यहाँ पे एक मेथड आएगी शो, आपको केवल शो को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर, ठीक है। ये एंड्रॉइड डॉट ऑन क्लिक हैंडलर या फिर एट्रीब्यूट है जहां पे हमने कह दिया कि भाई बटन पे क्लिक हो तो ये शो मेथड रन होनी चाहिए। अब हम इसको रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। It is taking some time. बंद करके वापस ट्राई करता हूँ, कुछ ज़्यादा समय ले रहा है इसलिए। अभी भी वो स्टॉप कर रहा है डिवाइस को। ठीक है, अब मुझे शुरू से वापस मतलब कि डिवाइस को रन करना होगा। यहां से मैं रन पे क्लिक करता हूं,
तो वापस अभी डिवाइस लॉन्च होगा और उसमें अपनी एप्लीकेशन रन होके आएगी। को बटन पे क्लिक किया, बटन क्लिक्ड, क्लिक किया, बटन क्लिक्ड, क्लिक। तो इस तरह से हमने ये बटन की क्लिक इवेंट को हैंडल किया। ये जो मैकेनिज्म है इस तरह से इवेंट को हैंडल करने का, वो केवल बटन के लिए ही अवेलेबल है। जितने भी बटन्स हो आप कर सकते हो, बाकी दूसरे जो व्यूज है उनके लिए ऐसे ऐसी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि बटन मैंने बताया ना कि एक कॉमन व्यू है। इसलिए दूसरा मैकेनिज्म भी है, ठीक है, बटन को, बटन पे इवेंट को हैंडल करने के लिए हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म भी है जो हम यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, और